चंडीगढ़ सेक्टर 20 गुरुद्वारा चौक के पास, और ये रोड जाता है दिल्ली की तरफ, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और जाम लगने की जो वजह है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हादसा हो चुका है। चंडीगढ़ सेक्टर 20 में गुरुद्वारा चौक के पास एक बहुत ही भयानक हादसा हो गया। सुबह के 3 बजे एक ट्रक पलट गया, और बताया जा रहा है कि कार की ओवरटेकिंग के कारण यहां पर ये जो ट्रक पलट गया, इसमें गार्बेज था, और टोटली यहां पर जो किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ, बट यहां पर मौके पर आकर संभाल लिया गया, और यहाँ से क्रेन द्वारा यहाँ से कूड़ा निकाल लिया जा रहा है जो भी इसके अंदर गार्बेज था। और यहाँ पर जो ड्राइवर तो यहाँ से अभी हॉस्पिटल की तरफ है, और अभी यहाँ पर मेरे साथ जो कंडक्टर सीट पर भाई साहब बैठे थे वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं। सर, आप थे ड्राइवर के साथ? हाँ जी। तो कितने बजे का ये हादसा है यहाँ पर? 3 बजे सुबह। 3 बजे का, और किस कारण से ये हादसा हो गया है? कार आ गई थी आगे। ऐसा तो नहीं है कि ड्राइवर नींद में था या झपकी लग गई? नहीं, तीनों जाग रहे थे। तो कहाँ, किस तरफ की ओर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे आप चंडीगढ़ से? हम तो इधर जा रहे कंटकरवान। हाँ जी, कंटकरवान जा रहे चंडीगढ़ पार करके। अच्छा, चंडीगढ़ पार करके। हाँ जी, कांटा करवाने जा रहे थे, वहाँ पे गार्बेज को आप देने जा रहे थे? हमने कार वाले ने इमरजेंसी ब्रेक लिए। हाँ जी, इमरजेंसी ब्रेक लिए। अच्छा, रूम पे। अब उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई, गाड़ी ऊंची भरी हुई थी। तो किसी कार को बचाने के चक्कर में आपका यहाँ पे ट्रक पलट गया? ट्रक ओवरलोड था, उस कारण से तो नहीं पलट गया ये? नहीं, उस कार की वजह से पलटा नहीं, वहाँ से लाए मुझे। ओके, तो यहाँ से रोजाना जाते हैं इसी रोड से आप? हम तो पहली बार आए, पहला चक्कर था। ओके, आप पहली बार आए हो? हाँ। उससे पहले कौन आता था? भाई चल रहा, दूसरी गाड़ी चल रही है। दूसरी गाड़ी चल रही थी। तो आपके यहाँ पर काफी ज्यादा चोटें लगी हैं, यहाँ पर आपके इस पैर में चोट आई है, यहाँ पर और भी कहीं लगी है? तो यहाँ पर देख पाएंगे किस प्रकार से इनके यहाँ पर चोट लगी है, मेरे गाड़ी का शीशा है। और ड्राइवर की जो हालत है वो किस तरह है अभी? सही है। तो अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड है? जी, मुंह पे शीशा लग गया, उसके कारण उनके वहां पर उनको हॉस्पिटलाइज करा चुके हैं। बट अगर कहते हैं कि जान माल की नुकसान नहीं हुआ है कोई, और यहाँ से बच पाए हैं। बाकी आप यहाँ से यहाँ का दृश्य देख पाएंगे, तो यहाँ पर पुलिस भी तैनात है हर जगह से।